योगी राज में ग्राम प्रधान की दबंगई के शिकार ग्रामीण जनपद बहराइच के ब्लॉक तेजवापुर तहसील केसरगंज थाना क्षेत्र फकरपुर के ग्राम सभा रैपुरा के प्रधान हबीबुल्लाह के उत्पीड़न से तंग ग्रामीण अपनी व्यथा बताते हुए पंकज सिंह की खास रिपोर्ट। हम उधर से गाड़ी लेके आ रहे थे तो हमने पब्लिक देखा, मैंने गाड़ी रोक दिया। हम गाड़ी रोकने बाद अभी से पूछने लगे कोटेदार से कि कोटेदार गल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोटेदार सीधा बोला प्रधान भेज दिया, तो प्रधान जी से कहने कहा प्रधान जी गल्ला मिलेगा आपके नहीं मिलेगा, तो कहें गल्ला हम ना बेचे ना हमारा लड़का बेचे। पांच पीर बाबा की तरफ उसने तो हम कहें कि गल्ला को बेची से, हमने बोला प्रधान बोला कि मेरा लड़का बेचा है, अपने मुँह से सवाल किया, तो हमने बोला ठीक है गल्ला मिलेगा या नहीं, बोले जो करना है बाद में कर लेना, अभी लड़का आ रहा है उससे पूछा जाएगा। उनका लड़का आया, मेरी बहन खड़ी थी, उसने पूछा कि गल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनका लड़का सीधा मोटरसाइकिल पर एक पैर जमीन में लगाए एक पैर मोटरसाइकिल पर रखे हुए बोला कि जिसको जो ना उखाड़ लीजिए, हम गल्ला आपके भी बेचे और अगली बार भी बेचेंगे। बहुत बुरी बुरी शब्द में गाली देने लगा, हम सबको बैठा ला गाड़ी में लेके घर लेके चले आए। हाँ कोटेदार और प्रधान दोनों के मिली भगत से, हाँ मिली भगत से मिला हुआ है। हर महीने का यही नियम है, हर महीने का यही नियम है, कोई पाता है कोई नहीं पाता है, कोई दबावड़ी डालता है तो कोटेदार भी उसके ऊपर चिल्लाते हैं, और प्रधान से बोलने जाओ तो प्रधान बोलते हैं हमारा गल्ला जो है कोटेदार लोग मिल करके इसको बेच लिया और पूरे गांव में किसी को गल्ला नहीं मिला है। आपके कोटेदार का क्या नाम है? हमारा कोटेदार का नाम है छोटकोपाल। छोटकोपाल जी गल्ला सही वितरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इस महीने में तो एक ग्राम गल्ला किसी को किसी व्यक्ति को मिला ही नहीं। आपके प्रधान का नाम? हमारे प्रधान का नाम है अबीदुल्ला। पिताजी का नाम? कौन सा मौजा लगता है आपका? तो उन्होंने कहा कि प्रधान ने बेचवा लिया, हम कहाँ से ला के दे दें, तो हम लोग कहा कि प्रधान से हम लोग से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या पूछे, उन्होंने कहा बेच डालो, हमने बेच डाला, तो हम कहा हम कुछ नहीं जानते हमको गल्ला चाहिए, जब हम लोग ने चले हैं तब उनके प्रधान के व्यक्ति ने गाली दिया। क्या कह रहे थे आपको? गंदी गंदी गाली दे रहे थे, गंदी गंदी गाली। कितने महीने से आपको गल्ला नहीं मिला है? गाली दे रहे हैं, हमने गल्ला आने गए तो उनसे मेरा नाम नसीम अहमद सिद्दीकी। पिताजी का नाम? मोहम्मद मुस्लिम। मोहम्मद मुस्लिम, क्या परेशानी है आपको? हमको परेशानी है, हमें गल्ला हमारी वालदा लेने जाती हैं तो उनको वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया गया था। अगले महीने में भी हमें गल्ला नहीं दिया, कहा अगले महीने में देंगे, और ये महीने में जब गल्ला लेने गई तो कहा कोटेदार ने कहा कि गल्ला बेच लिया गया है, तो हम लोगों ने सवाल उठाया कि किसने गल्ला बेचा है, तो कहा प्रधान ने, तो प्रधान कसम खाने लगा, तो उसका लड़का आया तो कहा हाँ हमने गल्ला बेचा है, जाओ जिसको करना है वो करे, और वो गालियाँ दे रहा था, तो हम लोगों ने उसके ऊपर विवाद किया तो वो लोग कह रहे हैं जाओ जिसको जो करना है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और अगले महीने का फिर गल्ला बेच लेंगे, ये ज्यास्ती हम लोग के साथ सर होती है। कोटेदार किस मौजे का? कोटेदार रायपुरा के। लोगों का कहना है कि जो है आप कई महीनों से जो है गल्ला सही तरीके से नहीं वितरण कर रहे हैं। नहीं साहब, प्रधान जबरदस्ती गल्ला बेचवाए लेकिन जबरदस्ती इस महीने का आप इस महीने का गल्ला प्रधान जबरदस्ती किस माध्यम से बिक्री कर रहे हैं? धमकी दे करके। तो आपके घर से गल्ला उठा कर बिक्री किया है रास्ता से, तो आपने कहीं खबर नहीं किया? मोबाइल छीन लिया। आप कहाँ खबर करना चाहते थे? 100 नंबर। 100 नंबर पे खबर करना चाहते थे? मोबाइल छीन ले। मोबाइल किसने छीना? राजीव ने, प्रधान के लड़का। प्रधान के लड़के ने? हाँ। मोबाइल छीन लिया आपका? छीन ले। फिर गल्ला क्या किया वो? बेच लिया। आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि हम ना बेचवा हुआ है, तुम अपने मन के बेचे हो। जनता परेशान है, जनता आपसे गल्ला मांग रही है, आप कहाँ से दोगे? गल्ला मांगे हमसे, गल्ला मांगा थी जनता, हम कहाँ से लाके दे दिए? तो आप क्या करोगे इस बारे में? आप जैसे मतलब बताओ जाता आपका क्या जवाब है इस बारे में? जवाब यही कि प्रधान बेच लेना तो हम का करिए। Oh.